हेलो गाइस, फ्रिज जो लिया था ये हायर का, तो दूसरे दिन मुझे ना टेक्नीशियन आके बताया इसके बारे में कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है और इसका डेमो पूरा बताया है। तो चलिए मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। वेब फ्रिज अगर नया आप लेना चाहते हैं या ले लिए हैं तो आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है तो डेमो देख लेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, पूरा इसका डेमो देखते हैं कि किस तरीके से। हाँ, तो ऐसा मॉइस्चर कंटेनर अंदर से बनता है। ओके ओके, अगर आप कवर में डालते हैं तो इसे छेद कीजिए, जो भी मॉइस्चर कंटेंट है बाहर लाना। ओके, अगर ये यहाँ पर रहेगा तो वो पानी नीचे आएगा। ओके, अब जो नीचे जो भी चीज़ है वो खराब हो जाएगा। ओके ओके, वो मशीन का प्रॉब्लम है, वो पैकिंग का प्रॉब्लम। पैकिंग में डाल के रखना और होल्ड करके रखना, ठीक है? नहीं तो आपका ये आता है ना, वो फाइबर का एक डब्बा है, डब्बा आता है, एयर वेंटिलेटेड वो रहता है। हाँ हाँ, वो वेंटिलेशन ब्लॉक रहता है। ओके, उसमें रखे आपको हफ्ते भर तक भी आराम से रहेगा, ठीक है? ओके ओके, आपको जरूर सर, वो सेटिंग का थोड़ा 5 पे रख लीजिए। नहीं, अभी फर्स्ट मुझे बताइए आप। ओके, कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो? आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो 4 3 2 1 नीचे करना है। हाँ, डाउन करने का। जितना आपका नंबर काउंट कम लेस जाएगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ओके, जितना हैवी टेम्परेचर के लिए जाएगा आप उतना टेम्परेचर आपको कम कूलिंग कम होएगा। कम होगा। ओके ओके, अगर ऊपर यूजेस कम है आपका तो ऊपर ऑफ कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट एसी है। एसी का मतलब ये रेफ्रिजरेटर से फ्रीजर हो जाएगा, मतलब दोनों आपको जगह पे आइस जमेगा। अच्छा, दोनों जगह पे, ऊपर भी या नीचे में, इसमें भी, इसमें भी आइस जमेगा, इसमें भी, इसमें भी, पूरे में आइस जमेगा, पूरे में आइस जमेगा एसी में। एसी में ओके ओके, ये अगर स्टार्टिंग से आएगा 2, ये पूरा चिल्ड हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर आपको 4 या 5 पे नॉर्मल। ओके, और यहाँ पे नीचे का टेम्परेचर है नॉर्मल, आप 14 रख लीजिए। अगर गोस्ट वगैरह कुछ रखे है तो 18 रख लीजिए। इसमें ऊपर जाएगा? हाँ, जितना माइनस टेम्परेचर आपको ज्यादा जाएगा। ओके, माइनस में उतना हाई होगा, हाई होएगा, ठीक है? ओके, गोस्ट वगैरह रख रहे हो तो -18। ओके, आइसक्रीम वगैरह रख रहे हो तो 20 पे रख लीजिए। ओके, वो अगर 2 लीटर से ज्यादा है तो सुपर कूलिंग नहीं, 22 तक रख लीजिए, 21 तक रख लीजिए, 21 तक। अगर आपके घर में लोग जा रहे हैं, फास्ट कूलिंग चाहिए नीचे, तो आपको ऐसा रख लीजिए। ओके ओके, और नेक्स्ट ये 14 है, और ये वाला 3 सेकंड होल्ड करेंगे तो आपको ओके यहाँ पे लाइट जलेगा। ओके, ये लाइट जलने का 50 मिनट के बाद नीचे का कंपार्टमेंट आपको फ्रीजर से रैप होके कन्वर्ट होगा। ओके, मतलब जो भी चीजें अगर ऊपर ज्यादा है हाँ, वो आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब वो फ्रीजर वहाँ पे बर्फ जमता था ना, हाँ, माइनस टेम्परेचर था। ओके, अभी वो प्लस टेम्परेचर में आ जाएगा, प्लस में आ गया। हाँ, तो वो फ्रीजर हो गया? हाँ, नहीं, रैप हो गया, रैप हो गया। हाँ, मतलब यहाँ पे जो चीजें रखते हैं वो आप नीचे रख सकते हैं, वो नीचे भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है? हाँ, अगर कैंसिल करना है तो सेम फंक्शन, 3 सेकंड होल्ड करना, होल्ड करना। ओके ओके, नॉर्मल हो गया। और वो ये वाला, ये एनर्जी सेविंग मोड, आप कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो आप चालू कर सकते हो उतना ही। एनर्जी सेविंग मतलब वो नॉर्मल कुछ भी सामान नहीं रखने का उसके अंदर? नहीं, आपको अगर एनर्जी सेविंग आप ऑन करते हैं, ये सिंबल आएगा। हाँ, आपको ऊपर का टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, कितना चाहिए उतना रख सकते हैं, बट नीचे का टेम्परेचर -7 फिक्स रहेगा। ओ, फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके, और आप अगर बाहर जा रहे हैं तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको कूलिंग ज्यादा नहीं चाहिए नीचे। हाँ, तो इसमें भी आइस करने का है तो यहाँ पे एसी, एसी किया तो इसमें पूरे में कूलिंग होएगा। ये दो कंपार्टमेंट में जो चीजें रहेंगे वो बर्फ बन जाएगा, वो बर्फ बनेगा। और ये दोनों उतना यहाँ पे इतना आज नहीं आएगा, नहीं आएगा, बस इसमें बर्फ दो का दो कंपार्टमेंट में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। ओके ओके, और कुछ डाउट सर? और कुछ तो नहीं, नहीं, ये वाला ऊपर वाला आप कर रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर 5 6 7 8 नेक्स्ट ऑफ ऑफ, ये ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। बाद में उसके बाद से स्टार्टिंग 2 3 4 5 ठीक है, सेम यहाँ पे भी एसेप्ट के बाद आपका ऑफ आ जाएगा, एसेप्ट के बाद ऑफ हो जाएगा, एसेप्ट नीचे ऑफ, ठीक है? ओके, स्टार्टिंग से 14 15, ठीक है? ओके, और कुछ डाउट सर? तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा देख के लगा? आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा। तो अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।